अस्सलाम वालेकुम टेक्निकल एहसन अनवर यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि एडसेंस में अर्निंग कब शो होती है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो न्यू हैं वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि वाइटर स्टूडियो में तो अर्निंग शो हो रही है लेकिन एडसेंस में अर्निंग शो नहीं हो रही। तो एडसेंस वो रोज़ चेक करते रहते हैं लेकिन उनको एडसेंस में अर्निंग शो नहीं होती। वो समझते हैं कि पता नहीं हमारी अर्निंग कहाँ जा रही है, वो इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है कि उनकी अगर वाइटर स्टूडियो में अर्निंग शो हो रही है लेकिन एडसेंस में अगर नहीं शो हो रही तो एडसेंस अकाउंट में कब अर्निंग हम चेक करें तो हमें शो होगी। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके इलम में होना लाजमी है कि 2 तारीखें वो हमारे यूट्यूबर्स के लिए बहुत अहम हैं, एक 22 तारीख और दूसरी 11 तारीख। 11 तारीख को क्या होता है कि 11 तारीख को आपकी अर्निंग यूट्यूब की तरफ से आपके अकाउंट में आ जाती है, 22 तारीख को अर्निंग एडसेंस अकाउंट में अपडेट होती है। मतलब अब वाइटर स्टूडियो में आपको दिखा रहा है $2 और एडसेंस में आपको दिखा रहा है तो $0। यूट्यूब स्टूडियो में है वो है रियल टाइम अर्निंग, वो आपको फ़ौरन शो करवा दी जाएगी डेली के डेली। और ये कब अपडेट होती है, ये दिन को 1 बजे अपडेट होती है, दिन को 1 या 2 बजे अपडेट होगी या रात को 2 या 3 बजे अपडेट होती है वाइटर स्टूडियो में। और एडसेंस में हर महीने की 22 तारीख को एडसेंस में अर्निंग अपडेट होती है। तो इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करें कि वाइटर स्टूडियो में तो अर्निंग शो हो रही है, एडसेंस अकाउंट में अर्निंग क्यों नहीं शो हो रही। जो न्यू यूट्यूबर हैं जिन्होंने अभी न्यू चैनल बनाया है और उनका मोनेटाइज हो गया, फर्ज करें कि न्यू चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है, उसके 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, वो मोनेटाइज हो गया, तो पहली अर्निंग हम यूट्यूब की कब निकलवा सकते हैं। तो पहली अर्निंग जो हम निकलवाएंगे वो उसका थ्रेशोल्ड वो $100 होगा। जब $100 हो जाएंगे तो उसके बाद हम वो अर्निंग निकलवा सकते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन हो सकती है। $100 से पहले हम अर्निंग नहीं निकलवा सकते। अर्निंग 2-3 तरीकों के साथ निकलती है, वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो आप अपने वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भी ले सकते हैं, लेकिन जो यूट्यूब का रिकमेंडेड है जो है वो ज़रिया वो वेस्टर्न यूनियन ही है। तो बैंक में बैंक का भी कोई इशू नहीं है, बैंक अकाउंट में अगर आ जाए तो वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ताखीर हो जाती है तो इस वजह से वो आपको अर्निंग थोड़ी सी लेट मिलती है। लेकिन वेस्टर्न यूनियन का ये है कि जैसे ही आप जाएंगे आपकी अर्निंग आएगी, आप उनको कोड वगैरह बताएंगे तो आपकी अर्निंग आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी या आपको इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर किसी भी न्यू यूट्यूबर को या किसी भी भाई को कोई परेशानी है चैनल के हवाले से, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।